इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी कॉम की पोयम मेडो सरप्राइजेस। मेडो जो है ना बुग्याल या चरागाह, चरागाहों के आश्चर्य। वॉक अक्रॉस ए ग्रीन फील्ड, तो वॉक चलते समय एक हरे मैदान के आर पार, ए पार्क और इवन यहाँ तक कि अंडर नीचे क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड के सॉरी चले। एंड यू विल नोटिस, और आप पाएंगे, आप देखेंगे मैनी कई वंडरफुल आश्चर्यजनक थिंग्स, बातें। तो व्हाट आर, क्या हैं सम कुछ ऑफ द सरप्राइजेस, आश्चर्य। अ मेडो, एक चरागाह के, हैज़ एक मेडो के, तो उसके लिए समवन किसी के पास, विद ए कीन आई मतलब एक तेज़ नज़र, और शार्प ईयर, शार्प मतलब तेज़ कान, एक तेज़ नज़र और तेज़ कानों के साथ होने चाहिए एक के पास। तो मेडोज़ हैव सरप्राइजेज, चारागाहों के आश्चर्य होते हैं। यू कैन फाइंड, तुम उन्हें ढूंढ सकते हो, देम उनको, इफ़ यदि यू लुक तुम देखो। वॉक चलो सॉफ्टली कोमलता से, थ्रू द वेलवेट ग्रास मखमली घास में, एंड लिसन और सुनो बाय द ब्रुक झरने के पास, और झरने के पास उसको सुनो। यू मे सी अ बटरफ्लाई, तो तुम एक तितली को देख सकते हो। रेस्ट अपॉन ए बटर कप, बटर कप एक फ्लावर होता है, उसके ऊपर आराम करते हुए। एंड अनफोल्ड, और अनफोल्ड खोलते हुए इसके ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो उसकी एक नली होती है, टू सिप द नेक्टार अप, तो पराग जो फूलों में पराग होता है उसको ऊपर सिप घूंट भरने के लिए अपनी उसको पीने वाली नली को खोलते हुए। यू मे स्केयर अ रैबिट, तुम किसी खरगोश को डरा सकते हो। हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत शांत बैठा हो। दियो यद्यपि एट फर्स्ट, पहले तो यू मे नॉट सी हिम, तो तुम उसे नहीं देख पाओ। व्हेन ही होप्स यू विल, और जब वो फुदकेगा तो तुम देख लोगे। अ डेंडोलियन, डेंडोलियन भी एक फूल है, हुज जिसके फजी हेड, फजी यानी कि जिसका सिर जो होता है वो रोएदार, फजी रोएदार होता है। वॉज गोल्डन डेज एगो, जो कुछ दिनों पहले क्या था, पहले सुनहरे रंग का था। हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट, और उसके जो बाल हैं वो अब हल्के हवा के पैराशूट में टर्न बदल गए हैं। देन दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लू, और वो फ्लटर फड़फड़ाने लगेंगे व्हेन यू, जब तुम फूंक मारो। चारागाहों के घरों को एक्सप्लोर, खोजो। द बुरोज इन द ग्राउंड, ज़मीन में बिल, भीतर बने हुए बिलों को। अ नेस्ट बिनी टॉल, लंबी घासों के नीचे घोंसलों को। द आर्ट्स अमेजिंग माउंड, और चींटियों के आश्चर्यजनक माउंड, टीले मिट्टी के टीलों को। ओ मेडोज हैव सरप्राइजेज, चारागाह, अरे चारागाह के अपने आश्चर्य हैं। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और भी बहुत सारी बातें बताने को हैं। यू मे डिस्कवर, तुम सकते हो, डिस्कवर खोज दी सीन को योर सेल्फ, अपने आप से। इफ़ यू लुक, यदि तुम देखो और सुनो, वेल अच्छी तरह से ध्यान से देखो और अच्छी तरह से सुनो। अब है वर्किंग विद द पोएम, रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेज ऑकर, उन पंक्तियों को पढ़ो जिनमें निम्नलिखित वाक्य दिखते हैं। देन डिस्कस, फिर बातचीत करो अपने पार्टनर से, और मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन इट्स कंटेक्स्ट, और उसके प्रत्येक वाक्यांश के संदर्भ में अपने साथी से उसके अर्थ। वेलवेट ग्रास, द ग्रास इन द पास्चर्स इज सॉफ्ट जस्ट लाइक वेलवेट। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, द बटरफ्लाई ड्रॉज नेक्टार लाइक जूसेस थ्रू दोज स्ट्रॉज। मेडो हाउसेस, द बुरोज और होल्स मेड इन द ग्राउंड बाय रैबिट एंड अदर एनिमल्स। अमेजिंग माउंट, द आंट मेक्स अ वंडरफुल स्मॉल हिल ऑफ लूज अर्थ, लूज अर्थ यानी कि ढीली मिट्टी का। फजी है द सॉफ्ट फाइबर लाइक हेड ऑफ डेंडोलियन फ्लावर्स। तो विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड ए कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय अ मेडो, रीड अलाउड द स्टेंजा दैट कंटेन्स दिस लाइन। तो लास्ट स्टेंजा में है ये, फिर फाइंड आउट, सॉरी ये तो यू कैन डू योर सेल्फ। वॉच ए ट्री और प्लांट और वॉक अक्रॉस द फील्ड और मार समथिंग बोट। नाउ वी विल नो द हिंदी मीनिंग, हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ नाइन्थ लेसन। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, तो अच्छी रिपेयर यानी कि सुधार, अच्छे सुधार में एक बाइसिकल। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, इफ यदि यू विश, तुम चाहो, टू गो, जाना, ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड, एक लंबी बाइसिकल राइड पे।
या यात्रा पे तो बाइसाइकिल शुड चाहिए बी होनी इन गुड कंडीशन, अच्छी हालत में, इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो तो एन एक्सपर्ट मैकेनिक, एक कुछ विशेषज्ञ मैकेनिक से शुड चाहिए ओवरहॉल, जांचना, इट इसको जचवाना लेना चाहिए। बट लेकिन बट हैपेंस क्या होता है, इफ़ यदि द मशीन हैज़ मशीन की विल इच्छा ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी इच्छा हो, एंड द मैकेनिक, और जो मैकेनिक है वो नोज जानता हो, नेक्स्ट आगे टू नथिंग, आगे कुछ नहीं जानता हो। अ मैन, एक व्यक्ति या एक परिचित, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था या एक परिचित ने प्रपोज्ड, प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया वन इवनिंग, एक शाम, कि वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल, फॉर लिए, एक लंबी साइकिल यात्रा पर, टुगेदर, एक साथ, ऑन द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन, अगले दिन यानी कि, एंड आई अग्रीड, और मैं सहमत हो गया, आई गॉट अप अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठा, फॉर मी, मेरे लिए, आई मेड एन एफर्ट, मैंने एक प्रयास किया, एंड वॉज प्लीज्ड, और प्रसन्न था विद माई सेल्फ, अपने आप से, ही केम, वह आया, हाफ एन आवर लेट, आधा घंटा देरी से, आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था, फॉर लिए ही मुस्के, इन द गार्डन, बगीचे में, इट वॉज़ अ लवली डे, ये एक बहुत अच्छा दिन था, ही सेड, उसने कहा, दैट इज़ अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, वो एक अच्छी दिखने वाली मशीन क्या तुम्हारी है, वो अच्छी दिखने वाली साइकिल तुम्हारी है, हाउ डज़ इट रन, ये कैसे चलती है, ये चलती कैसे है, वो, अरे, लाइक मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर की तरह, अधिकांश साइकिलों की तरह, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, ईजीली, आसानी से, इनफ इन द मॉर्निंग, आसानी से, सुबह के समय, पर्याप्त आसानी से भागती है, गोज अ लिटिल स्टिफली, स्टिफली, अ लिटिल स्टिफली, थोड़ी भारी, आफ्टर लंच, दोपहर के बाद, ही कॉट होल्ड, उसने पकड़ लिया, ऑफ इट इसको बाय द फ्रंट व्हील, सामने के पहिए से या अगले पहिए से, एंड द फोर्क, और चिमटे से, एंड शुक, और हिलाया इट वायलेंटली, उसको बहुत जोर से, आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, तुम इसको ख़राब कर दोगे, आई डिड नॉट सी, मैं समझ नहीं पाया, वाई, क्यों, ही शुड शेक इट, उसने उसे हिलाया, साइकिल को हिलाने की क्या ज़रूरत थी, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, साइकिल ने तो उसको कुछ नहीं किया था, इट हैड नॉट डन, कुछ नहीं किया था एनीथिंग कुछ टू हिम उसको, बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ़ यदि, इट वांटेड, वह चाहता था, यदि इट वांटेड शेकिंग, यदि इसे हिलाना की ज़रूरत थी, तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन, मैं असल में सही, ये काम मेरा था, या मैं सही व्यक्ति था, टू शेक इट, उसको हिलाने के लिए मैं उचित व्यक्ति था, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मच, बहुत अधिक, एज, जैसे कि, आई शुड हैड, ही स्टार्टेड, तो आई शुड हैड, जैसा कि मैंने महसूस किया, मुझे महसूस करना चाहिए, ही स्टार्टेड वाइकिंग, तो मुझे ऐसा महसूस किया कि उसने मेरे कुत्ते को चोट पहुंचाई, वाइकिंग मीन्स है देखिए, बीटिंग, स्ट्राइकिंग, पीटना, ही सैड, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, ये सामने का पहिया लचकता है, आई सैड, मैंने कहा, इट डज नॉट, तो उसने, मैंने कहा, ये नहीं करेगा, इफ़ यू डोंट वॉबल इट, यदि तुम इसे नहीं हिलाओ, इट डिडेंट वॉबल, ये नहीं हिल रहा था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वॉबल, तो नथिंग वर्थ, ऐसा कुछ नहीं था जिसे कि लचक कहा जाए, ही सैड, उसने कहा, दिस इज़ डेंजरस, ये ख़तरनाक है, हैव यू गॉट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है, आई ऑट टू हैव बीन फर्म, मुझे ऑट चाहिए था, टू हैव बीन फर्म, दृढ़ रहना, बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, दैट परहैप्स, कि शायद, ही रियली, वो वास्तव में, डिड नो, जानता हो, समथिंग, कुछ अबाउट, बारे में, द बिजनेस, इस काम के, आई वेंट, मैं गया, टू द टूल शेड, टूल शेड यानी कि जहाँ
औजार रखते हैं, औजारों वाली कोठरी में गया टू सी देखने को व्हाट आई कुड फाइंड, कि मुझे क्या मिल सकता है या मुझे कुछ मिल जाए। व्हेन आई कम केम बैक, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, विद द फ्रंट व्हील, तो सामने के पहिए के साथ, अगले पहिए के साथ, बिटवीन, बीच में, हिज लेग्स, उसकी टांगों के, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, विद इट, इसके साथ, ट्विडलिंग, और घुमा रहा था इट, इसको, राउंड, बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के चारों ओर, उनके बीच में चारों ओर, द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और जो रेमनेंट, जो रिमेनिंग पार्ट्स और बाकी शेष हिस्से थे ऑफ द मशीन के, वॉज लाइंग, पड़े हुए थे ऑन द ग्रेवल पाथ, पथरीले मार्ग पर, बिसाइड हिम, उसके बगल में, ही सेड, उसने कहा, इट लुक्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है एज जैसे कि इफ द बियरिंग्स, इसके बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, सब खराब हो गए, बियरिंग्स, बॉल बियरिंग, छोटे छोटे दाने होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट, तुम इसके बारे में ट्रबल, कष्ट मत करो एनी मोर, बहुत ज़्यादा, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका लोगे, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, लेट अस पुट इट बैक, चलो इसको जोड़ दो और गेट ऑफ, रवाना, जोड़ कर हम रवाना हो जाते हैं। ही सेड, उसने कहा, वी मे एज़ वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, तो वी मे एज़ वेल सी, हमें क्या देख लेना चाहिए, हमें चाहिए एज़ वेल सी, अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द मैटर विद इट, इसके साथ क्या खराबी है। नाउ इट इज़ आउट, अब ये बाहर आ गया, पहिया बाहर निकल ही आया है। ही टॉक्ड, वो कहने लगा, एज दियो, मानो, वो ऐसे बात करने लगा मानो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय द एक्सीडेंट, कि यह पहिया संयोग से, एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट, संयोग से बाहर निकल आया। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोक सकता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, वह कुछ पेचों को अनस्क्रूड, अनस्क्रूड यानी पेचों को खोल चुका था, समथिंग को समवेयर, कहीं सी जगह पे, कुछ कहीं, एंड आउट रोल्ड ओवर द पाथ, और रास्ते पर, और आउट एंड आउट, बाहर रोल्ड, लुढ़क गए थे ऑल ओवर पूरे पाथ, रास्ते में सम कुछ डजन दर्जनों, और या कुछ छोटे बॉल, छर्रे लोहे के, कैच देम, उन्हें पकड़ो, ही शाउटेड, और चीखा, कैच देम, उन्हें पकड़ो, वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी हमें खोने नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्तेजित था अबाउट देम, उनके बारे में। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, तो हम ग्रोवल्ड यानी सिर नीचा करके खोजते रहे, राउंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक खोजते रहे, एंड फाउंड, और पाए, 16। ही सेड, उसने कहा, ही होप्ड, वो आशा करता है कि वी हैड गॉट देम ऑल, कि वो हम उन सबको मिल गए हैं, वो सब मिल गए हैं, वी हैड गॉट देम ऑल, कि हमें वो सब मिल गए हैं, बिकॉज, क्योंकि, इफ नॉट, यदि नहीं, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, यदि ऐसा नहीं है, इफ नॉट नहीं है, तो ये वुड मेक, कर देंगे, अ सीरियस डिफरेंस, एक गंभीर अंतर, टू द मशीन, मशीन में, साइकिल में। आई पुट देम फॉर सेफ्टी, मैंने रखा उनको सुरक्षा के लिए, इन माई हैट, अपने हैट में। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, तो आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये कोई सही काम नहीं था, सेंसिबल यानी उचित काम नहीं था करने को, टू डू करने को। कॉम्प्रिहेंशन चेक, तो आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट ही वॉज एन अर्ली राइजर, ही वॉज अ लेट राइजर, ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग, तो इसमें से कौन सा आपका सही हो सकता है, वो आपको यहाँ पर करना है। द बाइसिकल गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड लिटिल स्लिपली आफ्टर लंच, द रिमार्क इज ह्यूमरस, इनएक्यूरेट, सार्केस्टिक, इंजॉयबल, मीनिंगलेस, क्या इसमें से सही है? तो इसमें से तो यह है कि ही वॉज अ लेट राइजर, और इसमें है ह्यूमरस एंड इन्जॉयबल। द फ्रेंड शुक द बाइसिकल वायलेंटली,
फाइंड टू और थ्री सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर्स डिसअप्रूवल ऑफ इट। तो इसमें पाठ में से दो या तीन वाक्यों को ढूंढो जो कि लेखक की असहमति को प्रकट करते हैं। तो क्या है, डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, इट डजेंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, वट डज इट रेफर टू, तो इट रेफर्स टू बॉल बियरिंग्स। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।